गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अभिकरण। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अभिकरण, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अभिकरण अगर हम देखें तो, या हम इस शब्द को लें तो, ऐसा अभिकरण जिसमें शिक्षक की आकांक्षा और उसके व्यावसायिक कर्तव्य के संतुलन के लिए उन्हें संकलित रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, संकलित शिक्षक शिक्षा का स्वरूप या संकलित शिक्षक शिक्षा का प्रारूप। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संकलित शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम का स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए। इससे रिलेटेड NCERT ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का संकलित स्वरूप कौशल, शिक्षण विधियां, शिक्षण सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य, शारीरिक क्रियाएं और एवं समाज सेवा से संबंधित किया जाता है। मतलब NCERT के अनुसार, या NCERT ने जो संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप के लिए परिभाषा दी है कि शिक्षक का कार्यक्रम या शिक्षक शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण का कौशल, शिक्षण की विधियां, विद्यालय क्रियाएं, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य, शारीरिक क्रियाएं आदि क्रियाओं को संकलित रूप में तो सिखाना या समझाना संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम कहलाता है। संकलित शिक्षा शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है, मतलब ऐसे शिक्षा जो छात्र अध्यापकों को, छात्र अध्यापक जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब किसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं शिक्षक बनने के, तो उन अध्यापकों के लिए संकलित शिक्षा का स्वरूप किस आधार पर, किस तरीके का होना चाहिए। संकलित शिक्षा का स्वरूप तीन आधारों पर बैठा हुआ है, या तीन उसमें बैठा हुआ है इसका स्वरूप। पहला है आधार शैक्षिक कार्यक्रम, विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम और प्रायोगिक कार्य। पहला है आधार शैक्षिक कार्यक्रम। आधार शैक्षिक कार्यक्रम क्या होते हैं? आधार शैक्षिक कार्यक्रमों को तीन आधारों पर बांटा गया है कि छात्र अध्यापक को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो तीन आधारों पर दी जानी चाहिए, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर। दार्शनिक आधार अब क्या होते हैं? दार्शनिक आधार में आधार जो भावी शिक्षकों के लिए दर्शन और, क्योंकि दर्शन और शिक्षा का संबंध घनिष्ठ है, इसलिए घनिष्ठ है क्योंकि दर्शन हम ये कह सकते हैं कि दार्शनिक रूप में या शिक्षा को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अपने विचारों के माध्यम से जब समझाया गया है, या अपने अपने व्यूज के द्वारा जब उनको समझाने की कोशिश हुई कि शिक्षा का स्वरूप इस तरीके से होना चाहिए, तो उन्हीं आधारों पर शिक्षा को भी परिभाषित किया गया है कि शिक्षा का स्वरूप आखिर होना कैसा चाहिए। तो दार्शनिक आधार में दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन का जब तक शिक्षक को या छात्र अध्यापक को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो शिक्षा के स्वरूप को या शिक्षा को भी नहीं समझ सकता है, इसलिए दार्शनिक आधारों का ज्ञान छात्र अध्यापक को भावी शिक्षकों को कराना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा होता है सामाजिक आधार। शिक्षक समाज का एक क्या है, अंग है। समाज के लोग या समाज में परिवर्तन या परिमार्जन करना किसके हाथ में होता है, शिक्षक के हाथ में होता है, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज में बच्चों की या बालकों की, क्योंकि जब वो विद्यालय में 50 को या 200 या 300 बच्चों को या बालकों को पढ़ा रहा है, उनमें कोई नई चीज या नई थिंकिंग डालने की या नई बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है, परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो थिंकिंग या वो परिवर्तन से वो समाज में बदलाव ला सकता है। समाज में बदलाव लाने वाला कौन होता है, शिक्षक होता है। इसलिए सामाजिक आधार पर, सामाजिक मूल्यों के आधार पर शिक्षक को, भावी शिक्षकों को समाज से रिलेटेड या उसमें जो भी चीज़ें कमियाँ हैं, अच्छाइयाँ, उनको समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो शिक्षक शैक्षिक कार्यक्रम में सामाजिक आधार भी क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिसका ज्ञान कराना भावी शिक्षकों को जरूरी होता है। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है बीएड में, क्योंकि जब तक हम बालक के मनोदशा को या बालक के भावों को जब तक एक शिक्षक नहीं समझेगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास शिक्षक नहीं कर सकता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक आधार का ज्ञान कराना बहुत जरूरी होता है शिक्षक के स्वरूप में, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार के, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक
बालकों के विकास को, बालकों की मनोदशा को, बालकों के भावों को, बालकों के कार्य करने की स्थिति को सबको जान सकता है, उसकी बुद्धि को, योग्यता को समझ सकता है और उसमें बदलाव ला सकता है और उसके आधार पर उसको कार्य को सिखा सकता है या शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर भी शिक्षक शैक्षिक आधार होता है। तो आधार शैक्षिक कार्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ है, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। दूसरा होता है विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम। अब विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम हम ये कह सकते हैं कि संकलित शिक्षा शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप विषय वस्तु के आधार पर भी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है शिक्षण उद्देश्य। किसी भी विषय वस्तु का या किसी भी स्तर पर जब हम किसी पाठ्यक्रम का या किसी विषय वस्तु का निर्धारण कर रहे हैं तो उसका पहला उद्देश्य होता है कि वह प्रत्येक स्तर के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, बालक को समझने के अनुसार होनी चाहिए, उसके स्तर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक स्तर का उद्देश्य या शिक्षण कराने के लिए पहले उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें बालकों को क्या चीज़ समझानी है। जैसे आज मेरा उद्देश्य है कि मुझे बालकों को शिक्षांकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप समझाना है, तो उसी आधार पर जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए और उद्देश्य प्रत्येक स्तर के आधार पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे छोटा बालक है, हम ये कह सकते हैं प्राथमिक स्तर का बालक है, उससे हम उस प्राथमिक स्तर के कार्य कराने की, उस काम को कराने की अपेक्षा रखें, क्योंकि वो अपेक्षा कहीं गलत है कि वो उसके आयु के आधार पर या उसकी बुद्धि के आधार पर नहीं है। दूसरा होता है विषय वस्तु शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ विषय वस्तु से संबंधित, जिससे भी विषय वस्तु होगी उसकी शिक्षण विधियाँ उसके अनुसार होनी चाहिए। भावी शिक्षकों को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस आधार पर अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम विषय वस्तु को अच्छे से समझा सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंध, कक्षा कक्ष प्रबंध, कक्षा का जो एक कक्ष होता है या विद्यालय का जो कक्ष होता है, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, बालकों के साथ में शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पढ़ने और पढ़ाने के सामग्री या साधन उपलब्ध तो होने चाहिए जिससे बालकों को अच्छा से अच्छा ज्ञान कराया जा सके, और नई नई चीज़ों की सामग्रियों का प्रयोग बाल शिक्षक को करना चाहिए। तो विषय वस्तु को समझाने के लिए कक्षा कक्ष प्रबंध का होना या कक्षा कक्ष का उचित व्यवस्था में होना जरूरी होता है जिससे बालक पढ़ने में रुचि प्रदान कर सके। फिर होता है निर्देशन एवं परामर्श। किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। निर्देशन हम आदेश दे सकते हैं उसको कराने के लिए और परामर्श से हम बोल सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं कि हाँ बालक उस कार्य को करेगा ही करेगा, सिर्फ हम उसको एक तरीके से समझा सकते हैं कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है। और निर्देशन में हम ये कह सकते हैं कि हम आदेश के द्वारा या किसी भी कार्य को समझाने के लिए हम बालकों को एक निर्देशित कर देते हैं कि हाँ आपको ये कार्य करना ही करना। फिर शिक्षण तकनीकी विषय वस्तु में वर्तमान समय में शिक्षण तकनीकी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। शिक्षण तकनीकी के माध्यम से हम विषय वस्तु को और अच्छे तरीके से हम उसको डिफाइन करके समझा सकते हैं। जैसे हम कोई सपोज मानो हम कोई पिक्चर्स के आधार पर किसी विषय वस्तु को समझाना चाहते तो वो पिक्चर्स हम किस पे प्रोजेक्टर पे यूज़ करके नई नई कलरफुल बच्चों को दिखाकर हम समझा सकते हैं, या हम चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या हम कोई मॉडल भी बना सकते हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे भी कलर करके कलर पेन के यूज़ करके हम उस पिक्चर्स को बना सकते हैं। तो शिक्षण तकनीकी के नए नए प्रयोग आ रहे हैं जिससे विषय वस्तु को समझाने में अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर तीसरा होता है प्रायोगिक आधार। जब तक आधार शैक्षिक विषय वस्तु आ गई, जब तक हम उस किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेंगे बालक या छात्र अध्यापक प्रायोगिक कार्य करके या प्रयोग करके उस कार्य को करके नहीं सिखाएगा या स्वयं नहीं करेगा तब तक बालक भी उस कार्य को नहीं सीख सकता है। प्रायोगिक कार्य किसी भी विषय वस्तु या किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक शिक्षक स्वयं नहीं उस कार्य को करेगा तब तक भी बालक उस कार्य को नहीं सीख सकता है। इसलिए शिक्षक को स्वयं को पहले किस कार्य को करना पड़ेगा और फिर वो बालक सीखेगा। इसके भी सब 3 आधारों पर ही बांटा गया है शिक्षण अभ्यास। शिक्षण अभ्यास हम ये कह सकते हैं कि प्रायोगिक कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा शिक्षक उस कार्य को हम उतने ही अच्छे से सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। सामुदायिक कार्य, सामुदायिक कार्य में हम ये कह सकते हैं
कि समाज से संबंधित या किसी समूह से संबंधित हम उस काम को ले सकते हैं। सामुदायिक कार्य जिसमें समाज शिक्षक समाज का एक क्या होता है अंग या एक सामाजिक समाज के लिए एक सम्मान का आधार होता है। शिक्षक द्वारा समूह में या जगह जगह पर जाकर लोगों को समझाकर हम विषय वस्तु को या शिक्षा को हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। सामुदायिक कार्यों में क्योंकि जैसे प्राचीन समय में या पुराने समय में शिक्षा का स्वरूप इतना नहीं फैला हुआ था, नहीं बालकों को पढ़ाया जाता था, विद्यालयों में जो बालिकाएं होती थी उनको भी नहीं भेजा जाता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो शिक्षा का स्वरूप चेंज होता जा रहा है। सभी विद्यालय पढ़ाई करते हैं, सभी जैसे 8वीं तक के लिए स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क कर रहे हैं। तो इस तरीके कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके आधार पर शिक्षक जाके अभिभावकों को समझाए और बालक उनको स्कूलों में भेजे पढ़ने के लिए भेजे तो नए नए कार्यक्रम को वो नए कार्यों का शिक्षक को प्रदान कर सके। फिर विद्यालय संबंधी कार्यक्रम प्रायोगिक कार्य में या हम कह सकते हैं विषय वस्तु को समझाने के बाद मतलब पाठ्यक्रम को पढ़ाने के बाद में भी किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बालकों को, हमें विद्यालय संबंधी कार्यक्रम अनेक कराने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जितनी भी होती है वो इसी से रिलेटेड होती है जिससे बालकों का मनोरंजन भी हो सके, बालक उबाऊ अपने आप को नहीं समझे। तो विद्यालय संबंधी कार्यक्रम भी का प्रयोग भावी शिक्षकों को छात्र अध्यापकों को आना चाहिए जिससे वो बालकों को एक मनोरंजन या एक खेल के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान कर सके। तो संतुलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप 3 भागों में बटा हुआ है, शैक्षिक आधार शैक्षिक कार्यक्रम, विषय वस्तु संबंधी कार्यक्रम, प्रायोगिक कार्यक्रम। आधार शैक्षिक कार्यक्रम दार्शनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा विषय वस्तु संबंधी शिक्षण के उद्देश्य विधियां कक्षा कक्ष प्रबंधन निर्देशन परामर्श और शिक्षण तकनीकी। प्रायोगिक कार्य शिक्षण अभ्यास सामुदायिक कार्य और विद्यालय संबंधी कार्य। इससे रिलेटेड आपका जो भी मैटर है मूल्यांकन प्रश्न है वो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।